न्यायियों की पुस्तक अध्याय चार। न्यायियों की पुस्तक अध्याय चार। दबोरा और बाराक का चरित्र। जब एहूद मर गया तब इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबिन के अधीन में कर दिया, जिसका सेनापति सिसरा था, जो अन्य जातियों की हरोशित का निवासी था। तब इसराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सिसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इसराइलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। उस समय लप्पीदोत की स्त्री दबोरा, जो नबिया थी, इसराइलियों का न्याय करती थी। वह एप्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इसराइली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। उसने अभी नोअम के पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली में से बुलवाकर कहा, क्या इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जुबलुनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तब मैं याबिन के सेनापति सिसरा के रथों और भीड़भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो न जाऊंगा। उसने कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा से तेरी तो कुछ बढ़ाई न होगी, क्योंकि यहोवा सिसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बाराक के संग केदेश को गई। तब बाराक ने जुबलून और नप्ताली के लोगों को केदेश में बुलवा लिया और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए और दबोरा उसके संग चढ़ गई। हेबेर नाम केनी ने उन केनियों में से जो मूसा के साले होबाब के वंश के थे अपने को अलग करके केदेश के पास के साननिम के बांज वृक्ष तक जाकर अपना डेरा वही डाला। जब सिसरा को यह समाचार मिला कि अबीनोअम का पुत्र बाराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया है, तब सिसरा ने अपने सब रथ, जो लोहे के 900 रथ थे, और अपने संग की सारी सेना को अन्य जातियों के हरोशेत के किशोन नदी पर बुलवाया। तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सिसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? इस पर बाराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ से उतर पड़े। तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सिसरा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया और सिसरा रथ पर से उतर के पाव पाव भाग चला और बाराक ने अन्य जातियों के हरोशेत तक रथों और सेना का पीछा किया और तलवार से सिसरा की सारी सेना नष्ट की गई और एक भी मनुष्य न बचा। परंतु सिसरा पाव पाव हेबेर केनी की स्त्री यायल के डेरे को भाग गया, क्योंकि हासोर के राजा याबिन और हेबेर केनी में मेल था। तब यायल सिसरा की भेंट के लिए निकलकर उससे कहने लगी, हे मेरे प्रभु, आ मेरे पास आ और न डर। तब वह उसके पास डेरे में गया और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। तब सिसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया और उसको ओढ़ा दिया। तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रह और यदि कोई आकर तुझसे पूछे कि यहां कोई पुरुष है, तब कहना कोई भी नहीं। इसके बाद हेबेर की स्त्री यायल ने डेरे की एक खुंटी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया और दबे पांव उसके पास जाकर खुंटी को उसकी कनपट्टी में ऐसा ठोक दिया कि खुंटी पार होकर भूमि में धस गई
वह तो थका था ही, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था। सो वह मर गया। जब बाराक सिसरा का पीछा करता हुआ आया, तब यायल उससे भेंट करने के लिए निकली और कहा, इधर आ, जिसका तू खोजी है उसको मैं तुझे दिखाऊंगी। तब उसने उसके साथ जाकर क्या देखा कि सिसरा मरा पड़ा है और वह खुंटी उसकी कनपटी में गड़ी है। इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा याबीन को इस्राएलियों के सामने नीचा दिखाया और इस्राएली कनान के राजा याबीन पर प्रबल होते गए, यहां तक कि उन्होंने कनान के राजा याबीन को नष्ट कर डाला।